नमस्कार, मैं साहिबा बानो बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में मदरसे के नाम से दर्ज संपत्ति का कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा करने से आक्रोशित मुस्लिम बंधुओं ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। आसिफ इकबाल सचिव वक्फ नंबर 918 मऊरानीपुर ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया, मोहल्ला अलियाई में वक्फ बोर्ड मदरसे की संपत्ति है, जिसको आरोपी ने गुंडई के बल पर कूट रचित दस्तावेज तैयार का बैनामा कर दिया एवं कब्जा कर दिया, जिससे मुस्लिम समुदाय में रोष है। प्रार्थना पत्र में आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कब्जा दखल दिलाने की मांग की है। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। मेरा नाम चांद रायन है। ये मामला व्यक्तिगत हमारा नहीं है, ये मऊरानीपुर की मुस्लिम समाज का मामला है और मऊरानीपुर की मुस्लिम समाज ने एक एक रुपया दे करके और तमाम माने धन से सहयोग से माने जो संपत्ति जकात फितरा दे करके जो संपत्ति मुस्लिम समाज की थी, चूंकि मोहल्ला अलियाई में एक मदरसा था, वो मदरसा किसी ने वक्फ किया था सवाबे जारिया के लिए। मुस्लिम धर्म के हिसाब से जो भी चीज़ वक्फ की जाती है वो सवाबे जारिया के लिए की जाती है, तो वो सवाबे जारिया के लिए वो संपत्ति वक्फ की गई थी जो मदरसे के लिए दी गई थी। अब जो मदरसा चला रहा था व्यक्ति, उस व्यक्ति ने उस मदरसे को बेच दिया है, चूंकि उसका चलाने का दायित्व था ना कि उस जमीन को बेचने का था, लेकिन वो जमीन फर्जी तरीके से बेच दी गई है।